हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय सजवान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर प्रॉपर्टी शो में, जहां पर हम रियल एस्टेट के बारे में बातें करते हैं, जहां पर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, तीन ऐसे पॉइंट जो पूरा रियल एस्टेट बिजनेस कवर करता है। आप अगर रियल एस्टेट के वर्क में हैं और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप किस तरह से वर्क करो, किस तरह से अपने बिजनेस को बिल्ड करो, तो तीन ऐसे पॉइंट जो आपने कवर करने हैं और पूरा रियल एस्टेट बिजनेस, पूरा प्रॉपर्टी का बिजनेस वहीं पे आके सिमट जाता है। जी हाँ, पहला, ये एक लीड जनरेशन का बिजनेस है। जी हाँ, जिस समय आप रियल एस्टेट के काम को एज अ लीड जनरेशन बिजनेस समझेंगे, तब आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा वर्क है, ये पूरा वर्क लीड जनरेशन से बहुत आसान हो जाएगा। अक्सर हमें प्रॉपर्टी के बिज़नेस में प्रॉब्लम वहीं आती है जब हमारे पास लीड नहीं होती, जब हमारे पास इंक्वायरी नहीं होती, जब हमारे पास इंटरेस्टेड कस्टमर नहीं होते। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है लीड जनरेशन का। आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो लीड जनरेट करके आपको दे रही है। अगर एज एन इंडिविजुअल आप काम कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा या जितने भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, उनके थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, या माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर सकते हो, सेमिनार्स में जाके वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करके लीड जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जो आप इस चीज़ जिसके माध्यम से आप लीड जनरेट कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है लिस्टिंग की। जी हाँ, लिस्टिंग। अक्सर लोग कहते हैं कि शायद लीड जनरेशन से ही उनका पूरा काम हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। अनलेस एंड टिल आपके पास लिस्टिंग नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है लिस्ट कराने के लिए आपके प्लेटफॉर्म में या आपके पास, तो तब तक आप रियल एस्टेट का बिज़नेस सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे। जितना इम्पॉर्टेंट लीड जनरेशन है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है लिस्टिंग कराना। मतलब आपके पास, अगर आप एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट हैं, एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, तो आपके पास लिस्टिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी होनी चाहिए, ताकि आप कस्टमर को उस प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कर सको। अब लेट्स सपोज़ आपके पास एक क्वेरी आती है आपको कि कहता है कि सर, मुझे 40 लाख में कोई हाउस दिला दीजिए। आपके पास 40 लाख का हाउस ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस लीड को जनरेट करने का। तो लिस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ जो है वो है लेवरेज का। लेवरेज, आप में से बहुत सारे लोग जो रियल एस्टेट के बिज़नेस को करते हैं या रियल एस्टेट में वर्क करते हैं, जो भी हमारी कम्युनिटी के हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या एजेंट्स हैं, वो ये ऑब्जर्व करते होंगे, उन्होंने अपना एक नेटवर्क बना रखा होता है कि लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास वो प्रॉपर्टी नहीं है और दूसरे एजेंट के पास है, तो मैं उससे हेल्प लूँगा, उससे वो प्रॉपर्टी लूँगा, फिर अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराऊँगा। तो इस तरह की चीज़ें भी रहती है, तो इसको हम कहते हैं लेवरेज करना। लेवरेज मतलब आपके पास लेट्स सपोज़ जो चीज़ नहीं है, आप उसे आउटसोर्स करते हो और वहाँ से आपको हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तीन चीज़, एक लिस्टिंग, एक लीड जनरेशन और एक है लेवरेज। ये तीन एल जब आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस में यूज़ करते हो, तो आपका रियल एस्टेट बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेगा। और कोशिश कीजिएगा, जितनी ज़्यादा लिस्टिंग करो और जितना ज़्यादा लीड जनरेशन करो और जितना ज़्यादा आप लेवरेज कर सकते हो अपने बिजनेस को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पर डिटेल अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, टॉपिक का नाम बताइएगा, उस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना।